हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम क्ले से गणेश जी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी के लिए छोटे छोटे ये मैंने कलर्स के रोल बना लिए। ये देखिए छोटे छोटे मैंने गोल लड्डू से बना लिए हैं। ये जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्पल कलर लेकर उसको गणेश जी का बेस बनाएंगे। गणेश जी का बेस बनाने के बाद हम ये जो येलो कलर लिया है उससे हम गणेश जी का स्टमक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टमक से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने लगा दिया है, आपने देखा गणेश जी का गोल गोल स्टमक होता है बड़ा सा। तो अब हम उसको थोड़ा सा लंबा लंबा सा रोल कर लिया है। अब आप देखिए ये ग्रीन कलर से मैंने हैंड्स को शेप दे दिया है। और जो हमने छोटे वाले पिंक कलर से रोल बनाए थे उसको मैंने गणेश जी के इयर्स के शेप का बना लिया है। तो ये सब पीसेस हमने बना कर रख लिए। अब हम अब हम स्टमक के ऊपर से हैंड्स को लगाना शुरू करेंगे। तो हमने एक हैंड जो लगाया है वो हमने थोड़ा सा आगे से उसको हल्का सा प्रेस करके उसको जैसे गणेश जी आशीर्वाद दे रहे हैं वैसा कर दिया है। और एक हैंड्स में हम लड्डू देंगे उसको हम ऐसे चपटा कर देंगे। तो ये देखिए हमने प्रेस करके उसको आगे से सपाट कर लिया है। अब ये हमने फेस लगाया और गणेश जी के जो सूंड को बनाना शुरू किया है। अब ये हमने सूंड लगाई, हम थोड़ा सा रोल करते हुए गणेश जी की सूंड लगाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा फिनिशिंग से गणेश जी ईयर्स को लगाएंगे। ये देखिए हमने गणेश जी के ईयर्स को लगाया। गणेश जी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं तो हमको शेप का ज्वाइन करना है। तो ये अच्छे से प्रेस करते हुए उसको फिनिशिंग के साथ हमने लगा दिया। तो ये गणेश जी के कान लग गए। अब हम जो सबसे पहले जो है वो कंप्लीट कर लिया और आईज लगा दिए। अब हमको छोटा सा तिलक लगाना है। तो
तिलक लगाने के लिए सबसे पहले तो हम पहले लड्डू का थाल बनाएंगे। ये देखिए हमने लड्डू का थाल बना दिया, नीचे मैंने व्हाइट क्ले से थाली बनाई है और उसके ऊपर लड्डू बना दिए। तो ये लड्डू का थाल बन गया और ये उनका मूषक। मूषक मैंने पर्पल कलर की क्ले ली है। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, आप ब्लैक कलर ले सकते हैं, आप ब्लू कलर ले सकते हैं और उसको मूषक के शेप का बना दीजिए। थाल बनाकर हमारे घर में पूजा के लिए गणेश जी बना सकते हैं। तो आप सभी को फिर से मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।